हमारे यहां लड़कियों में, खवातीन में जॉब का रुझान बहुत बढ़ रहा है। इतनी डेंजरस चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि इस पर आपको मौलवी ही बताएगा, या वो लोग जो उलमा से जुड़े हुए हैं, या वो जो दीनों मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जरूरी नहीं कि मौलवी हो, कोई भी दीनों मजहब से मोहब्बत करने वाला, वो जानता है कि ये हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है ये चीज। इसको वुमेन राइट्स से ताबीर किया जाता है, खवातीन के हकूक, उनको भी जॉब का हक है। खुदा की कसम, खवातीन के हकूक का बेड़ा गर्क हो जाएगा मुस्तकबिल में। अब तक जो हमारे मुआशरे का कल्चर चल रहा है, आपके चार बीवियां भी हो, आपके दर्जनों बच्चे भी हो, सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है? मर्द के। वो दिन रात एक करके अपनी बहनों को भी खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता है, नहीं खिलाएगा उसको ताने सुनने को मिलेंगे। औरत गरीबान पकड़ लेती है शौहर का, कितने मजे से मलका और शहजादियों की तरह औरतें हमारी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खाती है, और मर्द क्या करते हैं, सारा दिन मेहनत करके उनको खिलाते हैं। ये जो जॉब का रेशो खवातीन में बढ़ रहा है, इसका नुकसान क्या होगा? मर्द क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता अपाहज, चस्के लग जाएंगे मर्द को औरत की आमदन के, और अब ये चस्के लगना शुरू हो गए। अब लड़के कह रहे हैं कि हमें बीवी चाहिए जॉब वाली, क्योंकि एक्चुअली गुजारा नहीं हो सकता और महंगाई बढ़ रही है, और एक्चुअली मसला है कि अभी ये और ड्रामेबाजी, जितनी माली फरावानी इस दौर के इंसान को है, इससे पहले कभी भी अपने बाप दादा से पूछो, उनको ये चीजें नहीं मिलती होंगी जो आपको मिल रही हैं। उलमा से सबक सीखो, कितनी थोड़ी थोड़ी आमदनियों में कितनी बड़ी बड़ी फैमिलियों को अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते हैं। अल्लाह बरकत देता है माल में जब अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलोगे, और अगर बीवी से कमाना शुरू कर दिया अल्लाह माल की बरकत छीन लेगा। मैं हैरान होता हूं इनके मुंह में निवाला कैसे उतरता है। एक खातून ने कहा मेरा मियां, मेरी सास कह रही है कि कमाओ, जॉब करो, जॉब करो, सास कह रही है जॉब करो, क्योंकि बेटा अपना घर बहुत जरूरी है, इस आमदन में जो मेरे बेटे की आमदनी है इसमें हम अपना घर नहीं बना सकते। मैं फिर मीटर, मेरा मौलाना तारी मिल साहब बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, इनसे कहता हूं अखलाक के लिए उनके बयान सुना करो, वो ऐसी जज्बाती बातें नहीं करते, लेकिन मेरा मीटर क्या हो जाता है, शार्ट हो जाता है। फिर मैं फोन पे खड़ी खड़ी सुनाता हूं, तो फिर वो बाज औरतें भी डर जाती हैं, वहां मर भी डर जाते हैं, बोले तमीज से बात तो करें भाई। मैंने उनसे कहा अपनी सास से बोलो मैं नहीं कमाऊंगी, बात आ रही है समझ में? वो कह रही है फिर वो तलाक की धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा उनसे बोलो दे दो तलाक, औरत का शादी का बुनियादी मकसद ही है कि उसके नान नफका पूरा हो, जब उस कमबख्त वो ही नहीं उठा रहा तो तूने उसके साथ रह के क्या करना है भाई? बुनियादी मकसद ही, औरत क्यों शादी करती है? उसका एक बहुत बड़ा मकसद, मकासद में से एक मकसद ही होता है मुआशी कफालत, जब वो ही नहीं कर रहा तो छोड़ो ना, उसके मखंजू के पास रहने की क्या जरूरत है, उस बेशरम बेगैरत के पास शर्म नहीं आती? बीवी से कमा के जनाब उसके लुक में खा रहा है, गाड़ी खरीदने के लिए जाओ, बसों में जाओ, W11 इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत कराची में, उसमें जाओ ना। गैरत, गैरत अगर खत्म हो जाए ना, हया खत्म हो जाए, असलाफ कहते हैं फफ अल माशीता, फिर जो चाहे करो। फिर जाती घर भी होगा तो बोलोगे कि बेगम ये घर नाजमाबाद में है, डिफेंस में घर के लिए आपको इससे अच्छी जॉब तलाश करनी पड़ेगी। लेबल अच्छा लगाया जा रहा है, लेबल ये लगाया जा रहा है कि औरत जॉब करे ताकि मर्द की दस्तरस से, कैद से आजाद हो। याद रखो, औरत अगर मर्द की कैद से आजाद हो गई तो इसमें मर्द को नुकसान नहीं है, औरत को नुकसान है, क्योंकि ये कैद गुलामों वाली कैद नहीं है, ये वो कैद है जिसकी वजह से आपको उसको खिलाना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। अगर कैद से आजाद हो गई, मर्द कहेगा जाओ तुम भी आजाद और मैं भी आजाद, तो आजादी से मर्द जब जिंदगी गुजारेगा उसकी अय्याशी ज्यादा होगी, औरत जब आजादी में जिंदगी गुजारेगी तो उसको मोहब्बत देने वाला, उसको इज्जत के साथ खिलाने पिलाने वाला, और उसको बीवी बना के रखने वाला, और बच्चों की मां बनने वाली जो उसमें, उसको जो अल्लाह ने फजीलत दी है, इन तमाम नेमतों से क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी, वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाएगी बस, जैसे कि ऑफिसेज में दफ्तरों में हो रहा है। हमारे पास हर किस्म के तबके की कॉल्स आती हैं, लोगों से रابطे होते हैं, जो जॉब करने वाली खवातीन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप किसी पर बदगुमान ना हो, हर तरह की बेचारी मजबूरी में भी करती है, मजबूरी में भी करती है, जब जाहिर है नहीं चोर जिम्मेदारी उठा रहा तो मजबूरन करनी पड़ती है उनको, जो मजबूरी में कर रही है एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कल्चर क्या है, गलत है, इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं तरक्की नहीं होगी,
اول تو یہ بات غلط ہے، ترقی ہوگی اس لیے کہ آپ کے پاس جو ویکینسیز ہیں وہ مردوں کے لیے، مرد بے روزگار پھر رہے ہیں، ان ویکینسیز میں پہلے مردوں کو بھر دو آپ، پھر اگر کوئی جاب رہ جائے تو پھر آپ ان کے خواتین کو لے آئیں۔ مرد بے روزگار پھر رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، اور خواتین کو تھوڑا تھوڑا جابز دی جا رہی ہیں۔